राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार और जमानत पर रिहा राणा दंपति की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अवैध निर्माण के संदेह में जांच करने पहुंची बीएमसी टीम को उनके घर में कई अनधिकृत निर्माण मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि नवनीत राणा और रवि राणा को आज नोटिस भेजा जा सकता है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला से मुलाकात की है। आज वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घर की जांच के बाद बीएमसी अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आज की होने वाली जाँच हो गई है, अब हम अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा कि क्या एक्शन लेना है। हनुमान चालीसा विवाद में मुंबई पुलिस आज फिर से राणा दंपति को पूछताछ के लिए नोटिस दे सकता है। हालांकि दोनों दिल्ली में ही है। सत्र न्यायालय ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी थी। इसमें ये भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर राणा दंपति को थाने में मौजूद रहना होगा। अगर पुलिस राणा दंपति को पूछताछ के लिए बुलाना चाहती है तो उन्हें 24 घंटे का नोटिस देना होगा। जेल से छूटने के बाद राणा सीधे लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। इस दौरान उनके कई टेस्ट किए गए थे, जिसमें एमआरआई टेस्ट भी शामिल था। इसी टेस्ट के दौरान किसी ने उनकी तस्वीरें क्लिक की थी। अब उन तस्वीरों के कारण ही विवाद हो रहा है। महापौर किशोरी पेडणेकर ने लीलावती अस्पताल से सवाल पूछा है कि जब नियम के मुताबिक अस्पताल के अंदर एमआरआई रूम में किसी भी प्रकार का तस्वीर निकालने और धातुजन्य चीजें लेकर जाने की मनाही होती है, तो फिर वहाँ मोबाइल फोन लेकर कौन गया था? अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।